नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। समय आपको बता दें, करण विहार इलाके में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा खंभा एक स्कूटी के ऊपर गिरा हुआ है और स्कूटी पूरी तरह दबी हुई नीचे और पूरी तारों का आप झुंड देख सकते हैं। और दूसरी तरफ एक और खंभा आप देख सकते हैं जो कि एक ट्रक के टकराने के बाद जो है ये खंभा गिर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बता दें कि पिछले समय से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में बड़े बड़े ट्रक यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मेरठ रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर की वजह से बड़े बड़े जो है हैवी व्हीकल यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारों के साथ अटकने के बाद एक तीन खंभे एक साथ, एक खंभा आप यहां देख सकते हैं, दूसरा खंभा इधर देख सकते हैं और तीसरा खंभा आप देख सकते हैं इस गली के अंदर है जो कि स्कूटी को पूरे तरीके से जो है नीचे ही कुचली गई है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के हादसे पहले भी यहां पर देखे गए हैं क्योंकि बड़े बड़े ट्रक यहां से निकलते हैं और फ्लाईओवर का काम चलने की वजह से यहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी काफी ज्यादा खराब रहती है। और इलाके के जो एमसी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कैसे जो है ये होता है, कब ये हादसा हुआ था सर, कब हुआ था ये हादसा और कैसे? ये जी मेरे पास में 4 बजे फोन आया था, यहाँ स्थानीय निवासी का राणा जी हमारे नेत्रपाल जी, उनका फोन आया, मैं 4 बजे यहाँ आया। मैंने ये नेत्रपाल जी खड़े हैं जी जी, तो मैं आया यहाँ पे और उसके बाद में मैंने बिजली विभाग को फोन किया और यहाँ पे बिजली विभाग के आदमी आए और उन्होंने चेक किया सारा का सारा। ये हालात इतने गंभीर बने हुए हैं जी, ये सारा का सारा ट्रैफिक मेरठ रोड से होता हुआ शेखपुरा सोहाना से निकल के और करण विहार की तरफ ये डाइवर्ट होता है। हैवी व्हीकल सभी जाते हैं यहाँ से, हैवी व्हीकल है, आप खुद देख लो कितनी ऊंचाई है इसकी। जी जी, कितनी ऊंचाई है इसकी, ये सारे तारों को तोड़ता हुआ, पीछे भी इसने खंभा तोड़ रखे हैं, यहाँ तीन खंभे यहाँ तोड़ रखे हैं जी जी, एक खंभा एक कोई और आगे तोड़ के चला गया जी जी जी। ये हालात ऐसे बुरे बने हुए हैं इस टाइम करण विहार के, ये तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था यहाँ पे, कोई ना कोई बच्चा बुजुर्ग कोई भी घर का किसी भी सदस्य मतलब जा सकता था, इन खंभों के नीचे आ सकता था, काफी बड़ा हादसा हो सकता था। कितने बजे के आसपास हुआ है ये हादसा? 3 बजे के आसपास हुआ है, 3:30। तो ये कहीं ना कहीं मेरठ रोड पर जो काम चल रहा है फ्लाईओवर का काफी जो है लंबा, यानी डिले जो है होता जा रहा है, काम लंबा चल गया काफी। पीडब्ल्यूडी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वालों के ऊपर लगाम नहीं है किसी प्रकार की, हम निगम तो हम चिल्लाते हैं लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट वाले, इनके ऊपर बिल्कुल कोई लगाम नहीं है, इन्होंने बिल्कुल निखतपना खिला रखा है। वहाँ पे पुल बन रहा है, आज कब का बन रहा है पुल, कभी कहते हैं कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा, पहले कहते हैं नवंबर में पूरा हो जाएगा, आप जनवरी कह रहे हैं, आगे ये मुझे लगता है मार्च तक भी पूरा होगा जिस हिसाब से वहाँ काम चल रहा है। और सारा का सारा मतलब कि ट्रैफिक डाइवर्ट इधर से हो गया जी 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 जी, सारे कामों को परेशानी आ रही, सब कामों से गाड़ियां रावल से होके घूमकर शोखपुरा में जाम लगा था। प्रशासन को चाहिए कि नगला चौक में इसकी नो एंट्री कर दें, वहां से कुंजपुरा या ग्राउंड वाया गाड़ियां निकले तो सारे वारे तो छोटे मोटे निकलते रहे, कल इतना ये शोखपुरा में परसों बहुत पंगा रहा जी जी जी, सब सड़कें टूट गई हैं, बुरा हाल मौके जी 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 जी, यहाँ तो सड़कों का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, सड़कें सारी टूट चुकी हैं, लगभग सारी टूट चुकी हैं, मेन हमारी मेन रोड सारी टूट गई, एलईडी खराब हो रही है, रोज पटाखे बजते हैं रोज जी जी, हमारी सारी एलईडी का फ्रीज सब खराब हो गए हैं, रोज पटाखे बजते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा पुल थोड़ी था, ये कई किलोमीटर का पुल था, ये तो 6 महीने में तैयार हो जाना था। जी 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 जी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा हादसा जो कि ये हो सकता था, फिलहाल जान माल का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए पूरा खंभा जो है रोड के ऊपर ही, पूरा का पूरा खंभा पूरा रोड के ऊपर ही आप देख सकते हैं, एक खंभा ये है और दूसरा खंभा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो कि बड़ा ट्रक टकरा जाता है और अभी भी खंभा जो है वो टेढ़ा हुआ है और धीरे जो है अभी तोड़ दिए जी रात को, देखो ये स्टॉल ये किसने तोड़ा है, ये वाला ये भी ट्रक वाले ने तोड़ा है, ये कहाँ पे था, यहीं पर था, तो आप देख सकते हैं कि ये भी दुकान के बाहर ही है, देख सकते हैं कि एक बड़ा टेबल जो है इसे, हाँ जी हाँ जी, तो ये टेबल यहीं पे होता है जी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ट्रक रफ्तार में भी था कहीं ना कहीं, या उसने पी रखी थी कुछ ऐसा लग रहा है, बच्चे सामान नहीं लेके जा सकते घर से निकलते हैं तो यहाँ पे
सड़क नहीं पार कर सकते हैं, जी जी। गवर्नमेंट ने जब अलाउड कर रखा बाडी बाडी बराबर तक जाना चाहिए सामान, ये कहाँ से चल के कहाँ तक आया ये, ठीक है। अब यदि बाडी देखो कहाँ पे रस्सी बंधी है, कहाँ तक ये जा रहा है ऊपर तक, ये किसी ने रोका नहीं, ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं मिला रस्ते में इनको रोकने के लिए। जी जी जी, ये कहाँ का कानून है बताओ, ये बहुत बड़ा हादसा होने से चढ़ गया, जाम रहता है, क्या काम हो रहा है, और बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जी 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 जी, तो एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल बचाव रहा है। लेकिन इधर आपको बता दें कि एक स्कूटी जो कि खड़ी हुई थी और वो नीचे आ जाती है, आप देख लीजिए, नुकसान भी हुआ है साथ में, और जानमाल के जो है जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका बाल बाल शुक्र करते हैं। और यहाँ पर जो है तीन खंबे एक साथ ही इस ट्रक ने जो है वो गिरा दिए, हाई टेंशन तारें आप देख लीजिए, हैवी हैवी तारें हैं इसके साथ। कोई भी व्यक्ति नीचे होता तो आप समझ सकते थे कि क्या हालात हो सकते थे, और ये हालात जो है फिलहाल इसी वजह से क्योंकि हैवी व्हीकल यहाँ से निकलते हैं, पहले भी यहाँ खंबे टूट चुके हैं और अभी भी यहाँ पर लगातार ये जारी है, फ्लाईओवर ना जाने कब बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ जो है उनका सामना जरूर करना पड़ रहा है, और ऐसे में हम भी अपील करना। जी जी, बहुत परेशानी हो रही है, अब तक देखो कैसे खड़े हैं, 10 बज के काम पे भी जाना था, नहाना था, बताओ कहाँ जाए, इतना पानी है ना कुछ है, अरे अभी पता नहीं है कि कब तक होगा तैयार। जी जी जी, कब तक बिजली आ सकेगी। जी जी जी, सरकार को ही सोचना चाहिए था थोड़ा सा, एक इतना बड़ा मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कि इतना बड़ा पुल नहीं था और इतना बड़ा यानी कि रोड है, ये रोड को नहीं बंद करना चाहिए, ये इतना बड़ा डिवाइड करते हैं, साथ में सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और ये तो ये रोड भी ऐसा नहीं है कि इतना हैवी इतने हैवी व्हीकल निकल सके, ये तो सर रोड भी ऐसा नहीं है कि ऐसे हैवी व्हीकल निकल सके। तो हाँ जी, बिल्कुल एक तरह की मॉडल टाउन के अंदर तो ऐसी ऐसी अंदर की गलियां हैं। जी जी, हमारे तो चलो मेन रोड ये क्या है, कॉलोनी का रोड है। जी जी, कॉलोनी का रोड है, लोगों ने अपनी दुकानें हैं लोगों की, सीढ़ियां भी हैं, सारा कुछ है, एक पतली सी गली है ये। जी जी, अंदर ये हाल है। जी जी जी, ये हमने पास करा रखी है। जी जी जी, सीसी की सड़क पास करा रखी है, ये जब ट्रैफिक रुकेगा तो हम बनवा पाएंगे। जी जी जी, 4 घंटे इसको सूखने में भी लगते हैं। तो अभी बिजली विभाग में कॉल करके जानकारी दे दी गई, बिजली विभाग में कॉल करके प्रशासन को मैंने मौके पर बुला लिया था, सवेरे 4 बजे वो आ गए। क्या कह रहे हैं कब तक हो जाएगा ये आज सारा दिन तो लगेगा, सारा दिन लगेगा। उससे पहले मैं एक्शन साहब से इस बारे में मीटिंग कर चुका हूँ, ये वो तारे ऊपर करवा दो, और नजदीकी पुलिस थाने में जानकारी दे दी गई है। बिल्कुल, ट्रक भी यहीं से उठाना पड़ेगा, एसपी साहब पे रात को 4 बजे ही व्हाट्सएप कर दिया। जी 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 जी, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रक की अगर जानकारी दें तो इसका नंबर आप देख सकते हैं, UP15CT9291 नंबर, और यहाँ पर जो है फिलहाल यूपी मेरठ का ये नंबर है, बड़ा ये ट्रक है और इसके अंदर जो है माल लदा हुआ है, और ऐसे में आप देख लीजिए कि ये ट्रक है, सामने से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस ट्रक ने किस तरीके से जो तारे हैं उनको खींचते हुए तीन खंभों को गिरा दिया। और आपको बता दें कि ये एक और खंभा है जो कि वहीं से, आपको तस्वीर में दिखा दूं तो वहां पर जो ट्रक खड़ा हुआ है वहां पर भी आप देख लीजिए खंभे गिर चुके हैं, और वहीं से खिंचाव आते हुए खंभा इतनी दूर पर आगे भी गिर गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जो हादसा है वो होते होते टल गया। अगर कोई इसके नीचे आ जाता तो आप समझ सकते हैं, अगर एक खंभा गिरता और कोई व्यक्ति खड़ा हो तो नीचे आ जाता तो क्या हालात हो सकते थे। और ऐसे में ये जरूर है कि फिलहाल ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रक अपना वो छोड़ गया, और ऐसे में फिलहाल बिजली विभाग को जो है इसके बारे में सूचित जो है वो कर दिया गया है, और अभी ही कुछ समय में पहुंचकर जो है इसे दोबारा दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा रिहायशी इलाका है, 1 नंबर से लेकर 35 नंबर गली तक काफी बड़ा ये इलाका पड़ता है, तो इसे जल्दी ही दुरुस्त करना भी जरूरी है। जहां पर फिलहाल जान माल का नुकसान होने से तो बचाव रहा है, लेकिन यहां पर फिर भी अगर बात करें माल की तो स्कूटी नीचे आ गई है, और नुकसान यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खंबे यहाँ पर टूट गए हैं, और इन्हें दोबारा से सेट करने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। तो आपसे प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।